नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? इस जनवरी की सर्दी में होप सो सभी ठिठुर रहे होंगे, और अब तो आज तो बारिश भी हो रही है धीमे धीमे, सुबह से ही तो इतनी ठंड हो रही है ना कि बता नहीं सकती। लेकिन चलिए ठीक है, ये भी एक लाइफ का हिस्सा है और हम सब इसको एंजॉय करना चाहिए। तो अब देखिए, मैं अपने किचन में फिर हाजिर हूँ नहा धोकर, और अब मैं थोड़े से, वैसे तो मैं अपनी किचन रात को ही साफ कर देती हूँ, लेकिन थोड़े से बर्तन रह जाते हैं चाय के और भगोना दूध का, तो वो मैं किचन में वापस आके साफ करती हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बथुए के पराठे के साथ आलू की सब्जी। रात को ही मैं अपने सारे बर्तन साफ करके सोती हूँ, लेकिन किचन में सुबह को थोड़ा चाय के बर्तन और दूध का भगोना, ये थोड़े से बर्तन हो जाते हैं, तो मैं इन्हें हैंड टू हैंड साफ कर देती हूँ और मेरी किचन नीट एंड क्लीन बनी रहती है। हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। आज मैं बनाऊंगी बथुआ की रोटी और आलू टमाटर मटर की सब्जी, इसका कॉम्बिनेशन होगा। और क्योंकि ये जो बथुए की रोटी होती है थोड़ी सी हार्ड होती हैं, और तो इसके लिए एक लिक्विड वाली सब्जी चाहिए होती है। और देखिए, सर्दियों में तो बथुआ कितना अच्छा अच्छा आता है और इसको हम सब लोग खाते हैं। बेसिकली ये हल्का सा सर्दियों में हमें वार्म रखता है और न्यूट्रिशन वैल्यू से तो भरपूर है ही ये, इसमें आयरन की मात्रा बहुत होती है। तो चलिए बनाते हैं आज रोटियां इसकी। बथुए में जो ये मोटे डंठल होते हैं इनको हम हटा के और ये पत्ते पत्ते निकाल के इसको साफ कर लेते हैं, और इसको अच्छे से 5-6 बार साफ पानी से वॉश करेंगे। सिंक में ही मैंने अच्छी तरह से सिंक को साफ करके पानी भर लिया है, और इसी में ही मैं बथुए को धोऊंगी अच्छी तरह से मिला के इस तरह से, ताकि सारी इसमें नीचे नीचे निकल जाती है। बथुए को हमने अच्छी तरह से धो लिया है, अब हम इसको जार में पीसेंगे। सर्दियों में क्योंकि आटे को हम गर्म पानी से मलते हैं, तो इसलिए मैंने गर्म पानी ले लिया है और इसमें आटे में मिला दिया। अब इसको हम डो बना लें। देखिए, बथुए को मैंने आटे में मिलाकर अब इसका एक डो बना लिया है, इसकी चपातियां बनाएंगे। आलू टमाटर मटर इसकी भी सब्जी अब हमारी तैयार है। आज की वेज थाली में मैंने बनाया है आलू मटर की करी वाली सब्जी और बथुए के पराठे। इसके साथ मैंने रखा है दही और गुड़, जो हमें सर्दियों में सभी को खाना चाहिए। और आप इस थाली का लुफ्त उठाइए, अपने घर में सर्दियों में इसको बनाइए, बथुए के पराठे खुद खाइए, बच्चों को खिलाइए, और मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही थाली देखने के लिए।